लेकिन आपको भरोसा है कि आप बच्चा पैदा कर देंगे? 100% बच्चा पैदा करने के लिए नजदीक जाना जरूरी है, ये था ना। चलिए आप मुझे बच्चा किसी के गोद में कम से कम दिखलाइएगा। 100% दिखाऊंगा आपको, पक्का 100% बिना मिले नहीं, बिना मिले नहीं, आना पड़ेगा। ये गलत, मिल करके ही बच्चा पैदा हुआ तो पति से मिलेंगे, आपसे क्यों मिलेंगे? मोदी जी आपके ऊपर काली छाया है और आप 291 पर ही लटक जाएंगे, 291 पर लटक जाएंगे, आपको सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा भाजपा से, ये सब बता देना चाहिए ना आपको। काली छाया ऐसे नहीं पड़ता है, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, लोग जिंदा लोग, मुर्दा लोग। जी जी जिंदा लोग। इस धरा पर शक्तियां तो है, ये बात मैं मानता हूं, और इसमें से कुछ विलुप्त शक्तियां हैं जिसे तीसरी शक्ति कहते हैं। इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्हीं को गुरु मानकर किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर और तरह तरह से, ये एक प्रकार का मनोचिकित्सा है जिस माध्यम से सबको करने की आजादी है, इसी को अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। और इसी के तहत मैं पहुंचा हूं बग्गो, जो कि नया गांव मरगंजानी थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां पर हमें एक अदृश्य शक्ति के ज्ञाता एक बाबा मिले हैं। जी क्या नाम है आपका भाई का? मेरा नाम बिक्की सिंह हुआ। बिक्की सिंह जी, आप मतलब लोगों को ठीक करते हैं, जो बीमार होकर आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, मतलब जिनके ऊपर साया होता है, जो जिनको क्या बोलते हैं, मतलब धन की प्राप्ति नहीं होती है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, इस प्रकार का काम सारा सिस्टम है, सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम से क्या क्या काम करते हैं? सिस्टम से जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको होगा। तो कैसे होगा बच्चा? मतलब उसका पहले देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, शैतानी मामला है कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब शैतानी मामला है या मेडिकल से संबंध पता कर लेते हैं। आपके पास आने से लोगों को बच्चा हो जाता है? हाँ कि नहीं होगा, अगर उसका अनुमान होगा तो होगा बच्चा। आपके पास अभी तक किसी को बच्चा हुआ आपके द्वारा? जी अभी ऐसा केस हम नहीं देखे हैं, मतलब बच्चा वाला केस नहीं देखे अभी तक। अभी नहीं, लेकिन आपको भरोसा है कि आप बच्चा पैदा कर देंगे? 100% हम 100% पैदा नहीं करूंगा, मैं कहां से पैदा करूंगा? तो हाँ, वो सरकार है, सरकार करेंगे, उसका काम होगा, सिस्टम से काम करेंगे। सरकार मतलब जैसे भारत में, भारत में सरकार है। अच्छा आपके अलग सरकार कौन है? सरकार सरकार है कछौछा में, हमारे सरकार कहाँ पर है? कछौछा सरी यूपी में है, उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश में, वहीं से वो बिहार के बेगूसराय में मथानी पर नहीं, पूरे जिले में वो फेमस है। हाँ। नहीं, नहीं वो छत्तीसगढ़ में फेमस है। लेकिन वहां से यहाँ कैसे बच्चा पैदा कर देंगे? क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए आप तो एक दूसरे से नजदीक से मिलना बहुत जरूरी है। लेके जाना पड़ेगा वहाँ, वहाँ नीरसरी का तालाब है, वहाँ नहवाना पड़ेगा, तभी से भलाई होगा बच्चा वाला का। मतलब जो महिला है उनको वहाँ लेके जाना पड़ेगा, मतलब नजदीक जाना जरूरी है बच्चा पैदा करने के लिए, नजदीक जाना जरूरी है, ये था ना। चलिए और दूसरा, मतलब जो आप कहते हैं तंत्र विद्या, तंत्र विद्या से जो शरीर पर भूत वगैरह आत्मा वगैरह आता है क्या? उस चीज को बैठाएंगे, उसको देखने के बाद आप बताएंगे? हाँ उसको देखने के बाद बताएंगे क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या है, उस चीज को बैठाएंगे। जी जी, तो जब हम आपको बताएंगे कि मुझ पर भूत है, मुझे परेशानी होता है, ये तब पता चलता है या आपको देखने से पता चल जाता है किस पर साया है? कुछ चीज पता चल जाता है, कुछ नहीं भी पता चलता है। जैसे हम, मैं आया हूँ आपके पास और मेरे आसपास तो बहुत सारी काली छायाएं रहती है, क्या आप उनको देख पा रहे हैं क्या अभी? नहीं, मेरे आसपास काली छाया नहीं है। नहीं नहीं, अरे मेरे आसपास तो खाली छाया ही छाया रहता है, इतने दुश्मन, इतने लोग। आपके बारे में खोलेंगे हम, पर्चा खोलेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप अपना नाम दीजिए, आपका पर्चा कल खुलेगा। मेरा नाम पूरे देश के लोगों को मालूम है, मेरा नाम संतोष राय है। वीडियो भी देखे हैं? जी जी, आपका वीडियो भी देखे हैं, इनका भी वीडियो देखे हैं। लेकिन उस चीज को देखते ही आप लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों को काली साया से बचा रहे हैं, तो देखते ही आप क्यों नहीं बता देते? जैसे मोदी जी, अभी देखिए मोदी जी के लिए 400 पार का घोषणा हुआ और बेचारे लटक गए 291 पे, बता देंगे आपको ही पहले साया उनको बता देना चाहिए था कि मोदी जी आपके ऊपर काली साया है और आप 291 पर ही लटक जाएंगे, 291 पर लटक जाएंगे, आपको सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा भाजपा से, ये सब बता देना चाहिए था आपको। बता देंगे, बिना मतलब नहीं बताएंगे। कैसे बता? कोई फीस है? कोई फीस है क्या उसका? कोई फीस नहीं है। तो आप एक दुकान खोलकर बैठे हैं, यहाँ कोई गहमर नहीं है, गहमर समझते ना, हिंदू में देसी भाषा में बता रहा हूँ, जहाँ पीठ होता है, जहाँ देवी का आह्वान होता है उसको गहमर कहते हैं, जहाँ पीर का मजार होता है, जो पीर का स्थान होता है उसको यहाँ दरगाह बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। लेकिन आप कहते हैं कि मैं दोनों शक्तियों को आह्वान करता हूँ, तो कैसे करते हैं? दुकान में कैसे दोनों शक्तियाँ जाते हैं? हमारे गुरु हैं, सिर्फ तुमको आह्वान करने से, मंत्र उच्चारण करने से या स्मरण करने से? हम ऐसे ही ध्यान करते हैं, हमको पता चलता है। ध्यान करने दी है जी, तो कुछ हमारे बारे में बताइए, हमारे देश के बारे में।
देश के बारे में इतना बड़ा भी नहीं है हम कि देश के बारे में आपका बता देंगे। आप देश के बारे में बता सकते हैं? हाँ, हम देश के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। मेरा देश भारत है, ये दुनिया का सबसे यशस्वी देश है। यहाँ के क्या बीतने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, जो हमारे संवैधानिक रूप से हमारे आपका पर्चा खोलेंगे, इनका नाम लिख लीजिए, आपका पर्चा खोलिए, पर्चा खोलिए, आप मेरे पर्स में कितने पैसे हैं मेरे पास, वो सब नहीं पता चलता है, कितने आपके पर्स में कितने पैसे हैं, आप कितना चोरी किए हैं, कितना डाका मारे हैं, रिपोर्टर में आप कितना कमाए हैं, कितना घोटाला किए हैं, ये सब नहीं पता चले। नहीं, ये नहीं पता चलेगा तो फिर आप क्या अच्छा चीज बताएंगे? जब हम आपको बता देंगे कि मेरे पास देखिए दो सोने की अंगूठी है, दोनों के दोनों, एक मेरा खरीदा हुआ है, एक मुझे ससुराल से मिला है, एक पर जय हिंद लिखा हुआ है, मुझे ससुराल से मिला, उस पर ओम लिखा हुआ है, तो ये दोनों भावना से पता चल जाता है, जो मैं खरीदा हूं, मैं हिंद का सिपाही हूं, इसलिए जय हिंद लिखा हुआ है। अब जो मेरे ससुराल से मिला है वो जानते थे कि हिंदू धर्म से है और सनातन धर्म को समझते हैं, इसलिए ओम लिख के दिया है। तो ऐसा चीज आप लोगों को नहीं पता चल जाता है कि इनका काम कैसा है और फर्स्ट काम से कैसा आता है, ये भी नहीं पता चलता। तो कैसे बाबा हुए आप? आप सिंह हैं तो सिंह से कैसे आप फकीर हुए, सिंह से कैसे आप बाबा होना चाहते हैं, ऐसा क्या योग्यता आपके अंदर में? बहुत कुछ है। कुछ तो चमत्कार दिखाइए। चमत्कार हम नहीं दिखा सकते हैं। चमत्कार नहीं दिखा सकते? देखना होगा चमत्कार, तो एक महीना बाद मिलेगा, दिखाएंगे आपको, मैं खुद आपको बुलाऊंगा, आपके घर आऊंगा। लेकिन आप बच्चा पैदा करने की कला है आपने पक्का? बच्चा पैदा करने का कला हम में नहीं है। किसमें? तो जो परेशानी होगी, जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम उसके घर से होगा, बिना चिकित्सा के कैसे आप कर देंगे? मायके से होगा, कहीं से भी होगा, शैतानी मामला। मायके से प्रॉब्लम कोई भेजेगा? मायका प्रॉब्लम तो नहीं होता है, जीवन का संसार का एकदम स्थल मायका है, वहाँ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम हाँ, किसी का अचरज चीज मिल गया, उसको उसका हो गया, नहीं होता है। मतलब मायके से ही काली साए पीछे पड़ जाते हैं औरतों के, लोग घबरा नहीं जाएंगे औरतों से कि माँ काली साया लेके? काली साया ऐसे नहीं पड़ता है, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। लोग जिंदा लोग, मुर्दा लोग? जी जी, जिंदा लोग, मुर्दा लोग, जिंदा लोग पड़ जाते हैं। जिंदा लोगों में इतनी क्षमता है कि पीछे पड़ जाए वो? जी। उसके लिए तो बहुत पावरफुल आदमी होना चाहिए ना, कोई मंत्री होना चाहिए, कोई अधिकारी होना चाहिए। सामान्य लोग पढ़ के क्या कर लेंगे, क्या करेंगे बताइए? सामान्य लोग, जिन लोगों जो खुद अपने आदमी रोटी ताजी पाने के लिए मोहताज है, जो आदमी गरीब है, जो आदमी मजदूर है, जो आदमी हाउस वाइफ है, वो आदमी अपनी समस्या से उसको फुर्सत है कि वो किसी के पीछे क्यों पड़ेगा? आप आइएगा यहाँ, मेरा कल आने वाले हैं सब, कल भी आपको बुलाएंगे। सरकार आने वाले हैं? बहुत लोग यहाँ आने वाले हैं। अच्छा, मतलब वो दिन उर्स है क्या, किसी दिन का? कुछ उर्स नहीं होता है। तो उर्स नहीं होता तो कल क्या है? कल शुक्रवार को उर्स होता है। अच्छा जी, तो कल बुधवार है, तो कल कौन आने वाले हैं? जैसे लोग आ रहे हैं वो लोग आएंगे जो प्रीत हैं, जो काली साया वाले, आत्मा वाले, यहाँ चीखेंगे चिल्लाएंगे, वो सब चिल्लाएंगे, भी आएगा, शांत कर देंगे आप सबको। जी, मैं अभी जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर आत्मा आ रहा है, मैं चिकने चिल्ला रहा हूँ आपका, नहीं आप ऐसे चिकने चिल्लाने लगिएगा अपने मर्जी से, तो कैसे आपको पता चलेगा? मैं मर्जी से चिल्लाने लगिएगा, आप अपनी मर्जी से चिकने लगिएगा। मतलब मैं तो ढोंग नहीं कर सकता आदमी, जो जो ढोंग, बहुत लोग ढोंग करते हैं। करते हैं जी। तो जो भूत आने का, और जितने भी बाबा लोग बैठे हैं, कुछ लोग हाँ, कुछ लोग बाबा बैठे हैं, कुछ लोग कमाने के लिए बैठे हैं कि मेरे पास मनी आएगा, कमाएंगे, लूर तहूर है नहीं, बैठ गए हैं बाबा। हाँ, इसे आसाराम बाबा को जानते हैं? नहीं नहीं जानते। वो बहुत बड़े संत थे, बहुत अच्छी अच्छी वाणियां सुनाया करते थे, राम भजन में लीन रहते थे वो, पूरे दुनिया को पाठ पढ़ाते थे। पता चला कभी जेल में? मालूम है आपको? नहीं नहीं मालूम। रामदेव बाबा को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो बहुत लोगों को सेवा करते हैं, योग सिखाते हैं वो, सामान बेचते हैं वो, इस पे एतराज है, और उनको सुप्रीम कोर्ट अभी घसीट रहा है, नाक पकड़ पकड़ के जमीन पर रगड़ रहा है। या उन बाबा को जानते हैं? बड़े 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 बाबा है, राष्ट्रीय बाबा है वो। तो छोटे छोटे बाबा लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी नियम के साथ चले, कहीं उनका नजर पड़ गया सुप्रीम कोर्ट पे? तो मैं नियम के साथ चलता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। आप नियम जो हम जो हमें पता चलेगी वो बात बताते हैं। अंत में जाते जाते बताइए, फीस क्या लगता है आपके यहाँ? फीस क्या? फीस कुछ नहीं लेते हैं। कुछ लेते ही नहीं है आप? आप बहुत बड़े रईस होंगे, बहुत बड़े जमींदार होंगे, इसका मतलब बहुत बड़ा इनकम का स्रोत होगा, फैक्ट्री होगा आपके पास। कुछ फिर कैसे आप चलते हैं? खाना पीना तो जरूरत पड़ता होगा आपको? मात्र 101 रुपया लेते हैं बस। 101 रुपया मात्र? 101 रुपये। जो लोग नहीं देते हैं उसका हम ऐसे ही करते हैं। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, उनको ऐसे भी कर देते हैं। 101 रुपया फीस है आपका? 100 रुपया, 1 रुपया के बाद उसमें से हमारा जाता है अलंगर में खाना। ये कहाँ पे? वही दरगाह पे, मेरा वहाँ दरगाह पे चलता है। उसमें से गरीब लोगों का मैं भला करता हूँ, जिसको पैसा नहीं है, जिसको। ये दुकान जो आपने लिया है कॉमर्शियल रेंट पर, रेंट पे लिए, इसका रेंट कहाँ से आएगा फिर? हाँ, रेंट इसमें से आएगा, इसी में से। 101 रुपया में से आएगा? तो आपको आशा है कि दिन में 100-200 आदमी आएंगे तब ना ऐसा हो पाएगा?
नहीं उतना तो अभी नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे। अगर सरकार का रहमो करम रहा, आपका सपोर्ट रहा तो जरूर आएंगे। अच्छा, सोच है आपका कि लोग आए यहाँ पर? आपका सपोर्ट रहा तो जरूर आएंगे, लेकिन ख्याति होगा तब ना, आप चमत्कार दिखाएंगे तब ना आएगा। चमत्कार दिखाएंगे ना, आपको पता चलेगा ना, दिखाएंगे। अगर मरीज कोई ठीक होगा, कोई मर रहा है अभी, वो कहाँ है? वीडियो को लिए तो वो दिखा रहे हैं, जब गए थे उस लड़की को ठीक करके आपको दिखाएंगे। जो लड़की को ठीक कर दिए, लड़की बच्ची थी? नहीं, शादीशुदा है, उसके ससुराल वाले छोड़ दिए हैं उसको, उसमें शैतान है, यही बगल गांव में है, चलिए वहां चल रहे हैं अभी हम। और आपने ठीक कर दिया? अभी ठीक कहाँ कर दिया, अभी तो कल देखा ही हूँ। तो आपको यहीं पर हम छोड़ जाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा चमत्कार है वास्तव में, और इस चमत्कार चाहिए मुझे, हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए आप प्रचारण करने के लिए? नहीं नहीं, तो आपका सपोर्ट ये चाहिए, मैं ठीक करके लोगों को दिखाऊंगा, पब्लिक को ठीक करके दिखाऊंगा। गलत काम किसी के साथ, जो बाबा गलत काम किए, बहुत लोग गलत काम किए, मैं वैसा गलत काम नहीं करूंगा किसी के। तो आप मुझे बच्चा किसी के गोद में कम से कम दिखलाइएगा। 100% दिखाऊंगा आपको, 100% बिना मिले नहीं, बिना मिले नहीं, आना पड़ेगा। ये गलत मिल करके ही बच्चा पैदा हुआ तो पति से मिलेगा, आपसे क्यों मिलेंगे? अरे तो पति से कैसे मिलेगा? हाँ, वो बताइए, उसका सिस्टम कहीं और से ब्लॉक है तो ठीक है, पति से तो मिलता ही है, हर कोई मिलता है पति से, नहीं मिलता है तो ऐसी क्या शादी करके ऐसी लाके घर में रखा है वो? पति से नहीं मिलता है? जो पति से जिसको नहीं मिला उसके सौभाग्य में बच्चा नहीं, उसके सौभाग्य में, सबके सौभाग्य में रहता है, सबके सौभाग्य। लेकिन जो बीच वाले रहते हैं वो दबा देते हैं, ठीक है। ये क्या थी, आपने इनका नाम लिखिए, ठीक है, आपका पर्चा मैं खोलूंगा, उनका भी नाम लिखिए। ओके, मेरा पर्चा, आप मेरा पर्चा खोलेंगे? देखिए, अब मेरा पर्चा भी खुलेगा और मुझे भी, मेरा भी नाम लिखिए फिर से, मुझे भी। आप भैया हैं हमारे, बड़े भाई हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। लेकिन पर्चा आप मुझे अभी खोलना चाहिए ना? अभी नहीं खोलेंगे ना? कैसे? आपका आप इंटरव्यू नहीं लेते तो पर्चा खोलते आपका? आपका पर्चा मैं रात में खोलूंगा, आपको कल बताऊंगा सच्चाई। आपके साथ बीता है वो बताएंगे हम आपको। मेरे साथ बीता हुआ बता दीजिए, बताएंगे आपको आपके घर में। मेरे साथ बीता हुआ तो भारत सरकार नहीं बता पा रहा है आपको। हाँ। मैं बताऊंगा आपको, मैं 24 साल फौज में कहां घूमता रहा, बता दीजिएगा, सारा बता दीजिएगा, हम बताएंगे आपको। क्या देश में चमत्कार, अब तक हुए तमाम लड़ाइयों का ये आंकड़ा दे देंगे, ये तो चमत्कार है भैया। आपको ऑपरेशन विजय ओपी पराक्रम का कहानी मिल जाएगा, तब तो चमत्कार हो जाएगा। आप तो बता दीजिएगा मुझे कि हम लोग कहां कहां बॉर्डर पर भटकते थे, कहां कहां आपको बताएंगे ना? पक्का हम आपको वादा रहा जो आपके साथ बीता है बताएंगे, प्रॉमिस के साथ। हाँ। मैं बाबा जी को छोड़ जाता हूँ, बाबा से नहीं, बाबा जी नहीं है, बाबा जी नहीं हूँ, तो आम हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, इनका छोटा भाई है, यहाँ बैठे हैं, आप सपोर्ट कीजिए मुझे। सरकार, लेकिन आपके पास सरकार है? मेरे पास सरकार है, बहुत बड़े सरकार है। वो सरकार अलग है, धाम में सरकार नहीं हो, हमारे पास है सरकार, बागेश्वर धाम है, शास्त्री महाराज की जी। अच्छा, वो उनके पास है सरकार, उनसे क्या लेना है? उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनसे क्या लेना है आपको? उनसे भी मिला हूं मैं, वो भी हमको देते हैं ज्ञान, जो बागेश्वर धाम में है वो भी देते हैं मुझे ज्ञान। वो तो हनुमान जी के भक्त हैं, वो तो हनुमान जी के भक्त, मैं भी हनुमान जी को मानता हूँ। हाँ जी, राम जी को, उनको भी मानते हैं, दुर्गा माता सबको मानते हैं, जितना भी देवी देवता है सबको मानते हैं, दोनों लाइन से मानते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं, ना कभी करेंगे। ये यही वास्तविक धर्म है कि आप अपने धर्म से मोहब्बत कीजिए, किसी धर्म का विरोध मत कीजिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं फकीर को भी मानता हूँ, मैं पीर को भी मानता हूँ, मैं देवी दुर्गा को मानता हूँ, ये तो दोनों धर्म के मानते हैं। ऐसे सेकुलर लोगों की धरती पर आवश्यकता है, लेकिन मुझे खेद है कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता है किसी पति के बगैर। डॉक्टर कामियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, ना ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन करता हूं। लेकिन फिर भी वीडियो में आपको यह समझना होगा कि जो लोग अपने योग्यता, अपने विद्वता के अनुसार, अपने प्रकार के लोगों से मिलकर अपने गांवों में, क्षेत्र के लोगों में इस प्रकार का काम करते हैं, तो समझ बूझ लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको संदेशा दे रहा हूं कि समझ बूझ आवश्यक है। आप स्वतंत्र हैं कि कहां इलाज कराएं, किसी डॉक्टर से करवाएं, किसी वैद्य से करवाएं, किसी पीर से करवाएं, किसी फकीर से करवाएं।